आज की वीडियो गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम राइड करने वाले हैं न्यू एवनिस 125 एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ है। E20 फुल सपोर्ट करती है और बी6 फेज 2 इंजन है। अब देखो यार, एक्सेस 125 तो मैं बहुत बार चला चुका हूँ, पर एवनिस आज मैं फर्स्ट टाइम चलाने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एक्सेस और एवनिस दोनों को अपन अच्छे से कंपेयर करेंगे कि दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर स्कूटर हो सकता है। तो फटाफट से अपन राइड पर चलते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ अपना स्कूटर का साउंड है। सबसे पहले गाइस अपन इसका पिकअप टेस्ट करते हैं। पिकअप तो गाइस काफी बढ़िया है, अच्छा पावरफुल स्कूटर है। अगर अपन सुजुकी की एवनिस देखते हैं, बर्गमैन, एक्सेस, तीनों में अपने को एक इंजन आता है 125cc का, जो प्रोड्यूस करता है 6.8 PS की पावर और 10 Nm का टॉर्क। काफी रिफाइंड इंजन है, स्कूटर बड़ा स्मूथ चल रहा है। चलाने में जरा देखो इसको, काफी मजा आ रहा है। अपन इसको जैसे खींचते ना तो साउंड भी काफी प्यारा आता है। एक्सेस का भी ऐसे ही साउंड आता है। और देखो दोनों को चलाने में भी कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं लगता है, दोनों एक जैसे ही लगते हैं। बस दोनों में ना लुक्स का डिफरेंस है, बाकी तो ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं है। और इसका वेट थोड़ा अपना 3 kg ज्यादा है। दोनों स्कूटर आप चलाकर देखोगे तो आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा। और प्राइसिंग में भी दोनों के ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। अगर अपन इसकी प्राइस की बात करें, देखो इसमें अपने 3 variants आते हैं और अपने एक्सेस में तो थोड़े ज़्यादा variants आ जाते हैं। उसमें अपने को ड्रम वाला ऑप्शन भी आ जाता है, बाकी इसमें आपको सिर्फ डिस्क ब्रेक्स का ही ऑप्शन आता है। तो अभी अपन इसका राइड कनेक्ट एडिशन चला रहे हैं, तो इसकी ऑन रोड प्राइस हमारी सिटी में 1,13,000 रुपये के आसपास है। बाकी तो हर सिटी में प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ही रहती है, तो आपकी सिटी में भी एक बार प्राइस आप चेकआउट कर लेना। और जो अपना एक्सेस का टो मॉडल आता है ना, उसका राइड कनेक्ट एडिशन, वो भी 1,12,13 के आसपास ही पड़ता है। तो दोनों की प्राइसिंग में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो भाई अब मेन चीज़ ये आ जाती है कि आखिरकार दोनों में से कौन सा लेना हमारे लिए बेटर हो सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों में बस मेजर लुक्स का ही डिफरेंस है। तो अगर आपको क्लासी सिंपल सोबर सा लुक चाहिए तो आप एक्सेस के लिए जा सकते हो, और अगर आपको थोड़ा स्पोर्टी लुक चाहिए तो फिर आप एवनिस के लिए जा सकते हो। अब देखो एक्सेस का ऐसा लुक है ना कि वो सबको पसंद आ जाता है, लड़कों को भी पसंद आ जाएगा और लड़कियों को भी वो पसंद आ जाएगा। और रही बात एवनिस की, तो अपनी एवनिस का स्पोर्टी लुक है, तो यंग जनरेशन को ये लुक काफ़ी पसंद आता है। बाकी ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी को ये लुक पसंद नहीं आए, और एक्सेस का तो ऐसा लुक है कि वो फैमिली में सबको पसंद आ सकता है। कमेंट में गाइस आप जरूर बताना कि आपको दोनों में से किसके लुक ज़्यादा बेटर लगते हैं। अब देखो दोनों स्कूटर में बस लुक का डिफरेंस है, और एक डिफरेंस मुझे ये भी लगा कि एवनिस की सीट ना थोड़ी सी छोटी और कम चौड़ी है एज कम्पेयर टू एक्सेस। एक्सेस की अच्छी खासी लंबी रहती है और चौड़ी भी वो ज़्यादा रहती है, तो ये डिफरेंस मुझे लगा। बाकी देखो फीचर्स, माइलेज, इंजन तो आपको दोनों में एक जैसे मिलते हैं, तो आपके लुक की प्रायोरिटी के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए दोनों में से कौन सा बेटर हो सकता है। अब देखो गाइस अपन सबसे मेन चीज की बात करते हैं माइलेज की, तो ये स्कूटर आपको 40 से 45 के बीच में ही माइलेज देगा। जितने भी स्कूटर आते हैं वो इसके आसपास ही माइलेज निकालते हैं, तो सिटी में आपको 40 के आसपास दे सकता है, और हाईवे पर आप प्याज चलाओगे तो आपको 45 के आसपास दे सकता है। बाकी अपन एक बार ना इसकी ब्रेकिंग भी टेस्ट कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हो एक ही जगह पर बढ़िया स्कूटर रुक गया है। मैंने इसे कुछ ज़्यादा हार्ड ब्रेक्स अप्लाई नहीं करे थे, ठीक ठाक ब्रेक्स अप्लाई करे थे, फिर भी स्कूटर काफ़ी अच्छी तरीके से रुक गया। तो इसमें देखो कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा आता है। इसके जो अपने रियर ब्रेक की ना बाइट काफ़ी अच्छी है। अब देखो इसमें फ्रंट में तो आपको डिस्क मिल जाते हैं, और पीछे अपने ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। स्टैंडर्ड वेरियंट्स ही आपको डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं। तो ब्रेकिंग देखो इसमें अपने ओवरऑल काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कॉन्फिडेंस इसमें अच्छा खासा जाता है। और देखो स्कूटर कंट्रोल करना भी काफ़ी ईजी है, बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। बढ़िया स्कूटर, लाइट वेट ही फील होता है आपको इसको चलाने में। तो यार देखो मज़ा आएगा ही सही। यहाँ से गाइस अपन यूटर्न लेते हैं और टर्निंग रेडियस भी चेक कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हो वैसे टर्निंग रेडियस भी काफ़ी बढ़िया है। वाइब्रेशन तो यार देखो इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होते हैं, काफ़ी स्मूथ स्कूटर चलता है, काफ़ी रिफाइंड और रिलायबल इंजन अपने को इसमें मिल जाता है। और स्कूटर में ना स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, जैसे हवा को काटते हुए सुर ऐसे निकलता है। तो इसके जो डिज़ाइन है ना, ये भी अच्छी शार्प डिज़ाइन है। और सीटिंग पोजिशन की अपन बात करें तो काफ़ी बढ़िया सीटिंग पोस्चर है, और यहाँ नीचे भी आप देख सकते हो कि लेग स्पेस भी अच्छी मिल जाती है। और देखो सामान रखने के लिए तो आपको इससे कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत सामान तो आपको यहाँ रखा ही जाएगा। और यहाँ पर अपने को एक बॉक्स भी दे रखा है, इसके अंदर आपको एक USB पोर्ट भी आ जाता है, और साइड में भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस दे रखी है। और देखो सीट हाइट की अपन बात करते हैं, देखो 780 mm अपनी सीट हाइट है, जैसे कुछ ज़्यादा नहीं है। अब मेरी हाइट तो 5'9" है, तो मुझे तो कुछ भी इशू नहीं आ रहा है। बाकी हाँ जिनकी हाइट 5'3" 5'5" भी होगी ना, तो उनको भी इससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऊपर से स्कूटर का वेट भी इससे कुछ ज़्यादा नहीं है, बढ़िया लाइट वेट ये फील होता है। और अपन कंफर्ट की बात करें, देखो सीट तो बढ़िया कंफर्टेबल है, सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। और देखो दो लोग तो इसमें बड़े आराम से बैठ ही जाएंगे, और सीटिंग पोजिशन तो देखो इसमें काफ़ी अच्छी रहती है। अब देखो स्कूटर तो सब सिटी कम्यूट के लिए ज़्यादा लेते हैं, पर हाँ ये बात तो है कि आप इसे लॉन्ग टूर्स भी आराम से कर सकते हो, तो इससे सिटी मोशन काफ़ी कम्फर्टेबल रहता है। और अगर आपका डेली का 50-100 किलोमीटर का
टाउन भी है तो वो भी आप इससे आराम से कर सकते हो, और सिटी में चलाने के लिए तो बेस्ट है ही सही। और देखो रही बात सस्पेंशन की, तो फ्रंट में अपने को टेलीस्कोपिक फोक्स आ जाते हैं और रियर में अपने को स्विंग आर्म सस्पेंशन आ जाते हैं। आगे पीछे दोनों सस्पेंशन बढ़िया वर्क कर रहे हैं, ओवरऑल अपने को इसमें कम्फर्ट काफी अच्छा मिल जाता है। और लास्ट में अपन फीचर्स की बात करते हैं, जिसमें अपने फीचर्स भी काफी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। आपको फुल डिजिटल क्लस्टर आ जाता है, LED लाइट्स आपको आ जाती है और सारे कनेक्टिंग फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो फीचर्स की कमी भी अपने उसमें बिल्कुल भी नहीं लगती है। सो गाइस अब अपन कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर आपका स्कूटर लेने का प्लान बन रहा है तो एक बार आप एवनिस भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। अगर आपको बढ़िया सा स्पोर्टी लुक चाहिए तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है, और आपको क्लासी लुक चाहिए, सिंपल सोबर सा लुक चाहिए तो अपनी एक्सेस तो है ही सही। कॉमेंट में आप जो बताना कि आप दोनों में से किसको लेना प्रीफर करोगे। भाई गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना और चैनल भी भाई यहाँ से सब्सक्राइब जो कर लेना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।